पीछे एक ख्वाब है, एक सोच है, जिसको आज से 6.5 साल पहले, तकरीबन 6.5 साल पहले उसकी बुनियाद रखी गई थी। इसके स्टार्ट की कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, उसमें से एक मैडी का, इसका आइडिया हमें ऐसे आया कि हम बहुत सारे लोगों को सोसाइटी में काम करते हुए देखते थे, सोशल वेलफेयर के लिए, दूसरे लोगों की खिदमत के लिए। तो हमें आइडिया ये आया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम दूसरे लोगों को दावत दें कि हम भी काम जो हम टुकड़ों के अंदर कर रहे हैं सोसाइटी की बेहतरी के लिए हैं सारे, लेकिन हम उनको कोलैबोरेट करें और हम एक कलेक्टिव फीडबैक के साथ उसी काम को बेहतर तरीके से करें। सोच थी जिससे आज से 5-6 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, जिसके मुल्क इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई वाकई पॉजिटिव काम करना है, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान के खड़े होकर बात कर सकते हैं कि यार हम पाकिस्तान के 200-250 बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन में हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है वो है दारुल उलूम लर्निंग सिस्टम। दारुल उलूम जो है इट्स लोकेटेड इन इस्लाम एरिया इन द सराउंडिंग्स ऑफ लाहौर, झुकियां जोधा के नाम से एक जगह है शाद बाग के एरिया के पास। इस एरिया को हमने चूज किया था आफ्टर सर्विंग वेरियस एरिया। करने का मकसद ये था कि जो स्लम एरियाज के जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं उनको हमारे दूसरी सोसाइटी से, अर्बन सोसाइटी से काफ़ी डिफ्रेंशिएट किया जाता है और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया, और गैप क्रिएट होने का मेन रीज़न एथिक्स है। इस चक्कर के लिए हमने यहाँ पे एक स्कूल शुरू किया ताकि हम स्कूल के थ्रू उनको एथिक्स दिखा सकें, सिविलाइज कर सकें, ताकि ये गैप को हम मिनिमाइज कर सकें। उसके साथ हमने स्टार्ट किया बुनियादी तालीम को, और अब उसको हमने हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। असल ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को ग्रूम करें, अपनी अचीवमेंट्स को देखें, बल्कि असल ज़िंदगी ये है कि आप दूसरों के लिए कुछ ऐसा करें, ऐसे लोगों के लिए जो आपको कुछ रिटर्न नहीं कर सकते उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनकी ज़िंदगी में बेहतर हो सके और वो भी अपनी ज़िंदगी में ऊपर जा सकें। अच्छा बताओ पढ़ोगे क्या बनोगे?